प्रधानमंत्री मोदी से लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात जारी है। बीजेपी के भीतर नए सियासी घटनाक्रम के बाद ये मुलाकात काफी अहम। प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। ग्राफिक्स के जरिए पूरा घटनाक्रम आपको बता रहे। बीजेपी के भीतर नए सियासी घटनाक्रम के बाद ये मुलाकात कई मायनों में अहम है। तो राज्य हित से जुड़ी कई विकास योजनाओं पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा होगी। मुख्यमंत्री वेलनेस समिट के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण देंगे, तो किस तरह से मुलाकात का कार्यक्रम रहना है, क्या कुछ चीजें यहाँ पर रखी जा सकती है, वो आपको बता रहे। तीसरे हफ्ते में प्रस्तावित है वेलनेस समिट अप्रैल महीने के, तो ऐसे में कुंभ मेले के आयोजन को लेकर भी इस मुलाकात के दौरान बात होगी। तो केदारनाथ समेत चार धामों की व्यवस्था की जानकारी भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से पीएम मोदी को दी जाएगी। तो राज्य के नए देवस्थान प्रबंधन एक्ट के बारे में भी यहां पर बात रखी जाएगी। बीते साल हुए इन्वेस्टर समिट का अपडेट भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर देते नजर आएंगे। तो फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कई मायनों में अहम है। ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो बीजेपी के अंदर भीतर सियासी घटनाक्रम चल रहे हैं उसको लेकर जानकारी, तो राज्य हित से जुड़ी कई विकास योजनाओं को लेकर भी इस मुलाकात के दौरान चर्चा होती नजर आएगी। तो मुख्यमंत्री वेलनेस समिट के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण भी देंगे। तो अप्रैल महीने के तीसरे हफ्ते में प्रस्तावित है वेलनेस समिट, इसी का निमंत्रण पीएम मोदी को दिया जाएगा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से। तो वहीं कुंभ मेले के आयोजन को लेकर भी बातचीत यहां पर होती नजर आएगी। केदारनाथ समेत चार धामों की व्यवस्था की जानकारी भी देंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो राज्य के नए देवस्थान प्रबंधन एक्ट के बारे में भी जानकारी देंगे। और इसी बीच हमारे साथ संवाददाता अमित दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए, हम उनका रुख कर लेते हैं। अमित, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जारी, ताजा अपडेट लेना चाहेंगे इस मुलाकात को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात जो है वो खत्म हो चुकी है और अब जो है गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात चल रही है। और प्रधानमंत्री से कल से टाइम लिया गया था और आज प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई कुंभ को लेके और बाकी उत्तराखंड की योजनाओं लेके। एक रोड मैप जो है वो प्रधानमंत्री के सामने रखा गया और इसके साथ ही खबरें सूत्र ये भी बता रहे, हालांकि अब तक कोई आधिकारिक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल को लेके भी चर्चा है और रिसेंटली जो है वो राजनाथ सिंह के यहाँ मुलाकात चल रही है। जी बिल्कुल अमित, बेहद ही अहम मुलाकात जो है वो पीएम मोदी के साथ मानी जा रही थी त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जो फिलहाल अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब रक्षा मंत्री के साथ ही मुलाकात हो रही है, तो यहाँ पर क्या कुछ चीजें रखी जा सकती है। देखिए उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे हैं जो नेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर पे लगते हैं, चाहे वो चीन की बात करें नेपाल की बात करें, तो बॉर्डर की सुरक्षा को लेके खास तौर पे यहाँ पे जो है वो डिस्कशन होना है, क्योंकि उत्तराखंड कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे लोग ज्यादातर पलायन कर चुके हैं, कुछ ही लोग बचे हैं और वहाँ पे इंटरनेट हो टेलीकॉम हो इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है उस वजह से भी, और जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है उसके बाद वो जो ऊपर क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो पलायन करके नीचे आ जाते हैं और ऊपर का इलाका खाली हो जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय होता है और सेना को रिसेंटली इन दिनों में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो खास तौर पे बॉर्डर को लेके जो उत्तराखंड सटे हुए इलाके हैं उन विषयों पे चर्चा है। और सेना जो एक जवान खास तौर पे फिसल के कहा जा रहा था कि पाकिस्तान चला गया है और उस संबंध में भी यहाँ पे रक्षा मंत्री के साथ चर्चा होनी है। जी। बिल्कुल अमित, फिलहाल रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात जो है वो लगातार जारी है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की, लेकिन अगर पीएम मोदी से जो मुलाकात यहाँ पर मानी जा रही थी वो बीजेपी के भीतर ने सियासी घटनाक्रम के बाद काफी अहम मानी जा रही थी, तो ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ चीजें यहाँ पर पीएम मोदी के सामने रखी गई, किस तरह से मुलाकात के दौरान क्या कुछ विषय यहाँ पर रहे, उसके बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए अभी जो है वो कयास लगाए जा सकते हैं और सबसे बड़ी चीज की इस तरह का नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के साथ में मुख्यमंत्री की इतनी विस्तृत चर्चा हुई होगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज की खासतौर पे हाँ चाहे मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें या उत्तराखंड की योजनाओं की बात करें, खासतौर पे चूंकि जब कुंभ आता है तो कुंभ में खुद प्रधानमंत्री कुंभ को लेके इंटरेस्टेड होते हैं, तो जाहिर तौर पे उसे लेके प्रधानमंत्री की रणनीति उनकी सलाह उन विषयों पे यहाँ पे चर्चा हुई है हमारे सूत्र बता रहे हैं। और दूसरा जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, अब चूंकि अध्यक्ष पद का चयन हो चुका है, हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेके भी केंद्र से जब तक हरी झंडी नहीं मिलती है तब तक
मंत्रिमंडल विस्तार संभव नहीं है, तो उसे लेके भी यहाँ पे जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री के साथ चर्चा हुई होगी। अब से कुछ देर बाद जब मीडिया के सामने मुख्यमंत्री रूबरू होंगे तो जाहिर तौर पे पूरा एजेंडा सामने आएगा कि आखिर क्या कुछ डिस्कस हुआ। जी चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस मुलाकात को लेकर नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।